ऑल राइट गाइज, सो ये वीडियोस उन लड़कियों के लिए जो ये सोचते हैं अभी हमारे साथ शादी का झांसा हो गया और लड़का शादी नहीं कर रहा तो हम FIR करना चाहती है। तो यार देखो लॉन्ग टर्म है ये, मतलब 4-5 मिनट दे दो इस वीडियो को और ये वीडियो आपके 10-5 साल आराम से बचा लेगा और आपकी जो घर पे बेइज्जती होगी वो बचा लेगा, ठीक है। अब देखो जो यार पहले ना वो समझो, जो लैंडमार्क जजमेंट था ना वो क्या था, वो था ना अनूप सिंह सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उसमें क्या था, जो डॉक्टर साहब थे ना, जो लड़का था, वो आपस में उनका सब कुछ रिश्ता विश्ता हो जाता है तो फिर वो शादी का मतलब फिजिकल कर लेते हैं, फिर शादी से मना कर देता है बाद में, ऐसे करके कुछ था। लेकिन अब क्या है इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा है, जनरली क्या हो रहा है, लड़का लड़की खुद अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में जाते हैं, लड़की के घर वालों को नहीं पता लड़की कहाँ जा रही है, कॉलेज के बहाने ओयो में जा रही है, ठीक है। उस केस में जो लैंडमार्क था उसमें पता था भाई इनका शादी का वो हो चुका है, तो शादी से पहले वो कर लेते थे, ये था मतलब उसके घर वालों को पता था, लड़की के घर वालों को सब चीज़ पता होती थी, तब लड़की के घर वाले ही करते थे केस कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, फिजिकल रिलेशन बना दिया शादी का, ये करके तब जाके वो आया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, साली खुद कंसेंट दे रही है, खुद ओयो में जा रही है लड़कों के साथ, फिर बाद में कोई बात बिगड़ जाती है फिर केस की धमकी देती है, भाई केस हो गया ये हो गया। अब ये लड़कियों के लिए सुन लो भाई तुम, ठीक है सुन लो तुम, तो देखो तुम कल केस तो कर दोगी, ठीक है, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा कल को लड़का छूट जाएगा क्योंकि तुम्हारा केस ही फेक है भाई, सीधी बात हूँ कि केस ही फेक है तुम्हारा, खुद तुम ओयो में जा रही हो, ओयो में जा रही हो। फिर इसमें ना एक दिन क्या हुआ, मैंने वो पढ़ा था पेटिशन एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें पता क्या लिखा हुआ, लड़की क्या बोलती है कि हम मिले कॉफी पिलाई सर उसने, फिर मेरे को ओयो में ले गया, वहाँ पे उसने मेरे को कुछ पिला दिया। तो मैं उसको पढ़ के देख मतलब सोचने लगा अभी साउथर्न इंडिया से चुराई है क्या स्क्रिप्ट, इतना कौन पागल है भाई, तू पीलेगी कॉफी मतलब तू पीलेगी कोल्ड ड्रिंक और तेरे को ही पिलाएगा वो, और तू बिना उसके चलेगी ओयो में, ओयो में क्या तुम मतलब ताश खेलने जा रहे हो, सबको नहीं पता क्या होता है वहाँ पे, प्राइवेट चीज़ें ही होती है तभी तो ओयो में जा रहे हो तुम, अगर तुम पब्लिक काम करना था तो तुम बाहर मिल लेते। कहने का मतलब ये लड़कियाँ खुद अपनी मर्जी से जाती हैं फिर बाद में दिक्कत होती है, ये लड़कों को फंसाती हैं और ये फिर खुद ही इनको दिक्कत होती है। अब देखो क्या दिक्कत होती है, FIR तो कर देती है उस टाइम जोश जोश में, फिर क्या होता है आईओ चार्ज शीट नहीं पेश करता, करता है देर लगाता है, बहुत देर लगाता है, जांच चल रही है, लड़का क्या है या तो बेल ले लेगा या एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा, ठीक है बेल ले लेगा, क्या होगा केस चलेगा, दिक्कत किसको होगी लड़की को, ठीक है। अब देखो उसके घर में दिक्कत होती है, अड़ोस पड़ोस में पता चलती है, अड़ोस पड़ोस में पता चलती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर देखो यार किसी के साथ सच में हो रहा है ना ये सब, तब तो आप करो, लेकिन जो ये भीड़ है ना कि भाई फिजिकल रिलेशन अपनी मर्जी से बनाई लड़की ने और फिर बाद में कोई बात बिगड़ गई, लड़की ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, लड़के ने कोई बात नहीं मानी, या लड़के ने कोई अपने काम में बिजी है उसने टाइम देना बंद कर दिया, तो क्या करती है लड़कियाँ केस कर देती हैं भाई। अब इसको मैं बताऊंगी तो भाई वो मत करो, उसमें तुम्हारा नुकसान है, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा नुकसान है, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है तुम्हारा नुकसान है, ठीक है। घर वालों को पता चलेगा, घर में बेइज्जती होती है, बहुत सारी लड़कियाँ तो ऐसी होती है कि सर ऐसा कोई केस बताओ कि हमारे घर वालों को ना पता चले और हम केस कर दें, क्यों भाई अब क्या दिक्कत हो रही है, क्यों अब क्या दिक्कत हो रही है, घर वालों को क्यों ना पता चले, वो तो पता चलेगा ही, किसी ना किसी ने पता चलेगा ही। नेक्स्ट थिंग क्या है, पड़ोस में बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है, बहुत ज़्यादा, कभी किसी से मिलना मैं मिलाऊंगा किसी से, बहुत बेइज्जती होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैंने ऐसी ऐसी हरामी लड़कियाँ देखी हैं, वो क्या है पहले तो अपने हस्बैंड के मतलब पति सॉरी पेरेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि भी मेरे को अपने पेरेंट्स से दिक्कत है, फिर लड़के के साथ चली जाती है, फिर लड़कों को केस कर रही है, भाई किसी एक की तो हो जाओ, किसी एक की तो हो जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, देखो टाइम बहुत लगता है, तुम्हें क्या लगता है भाई एकदम जजमेंट आएगा और उसको पनिश हो जाएगी, कुछ नहीं है, टाइम मतलब ट्रायल चलता है भाई, ट्रायल में एविडेंस पेश होते हैं, बहस होती है, तब जाके वो डिसीजन आता है, ठीक है, यानी कि तुम्हारे 4-5 साल ऐसे निकल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है शादी की। अब एक बात हो, जो लड़की शादी से पहले ये सब कर सकती है, केस कर सकती है, अपनी मर्जी से जा रही है फिर भी उसको फंसा सकती है, तो उससे कौन शादी करेगा, कोई नहीं करता भाई, खुद कहते हैं भाई इसका तो पहले केस चल रहा है, इसका तो पहले केस चल रहा है, पता नहीं कितना से हुई पड़ी है और पता नहीं क्या क्या, फिर वो सोचते हैं कि जब ये शादी से पहले ये सब कर सकती है तो ये हमारी कौन सी सगी होगी, उसकी शादी में बहुत दिक्कत होती है। तो लड़कियों मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि झूठे केस मत करो, जाती तुम अपनी मर्जी से हो लेकिन लड़कों को फंसा देती हो, ठीक है। लेकिन अब लड़के समझदार हो गए, वो गरीब अखबार को देखने लग गए, सुनने लग गए, ठीक है, तो ये काम मत करो, ठीक है ओके। तो एट द एंड ऑफ डे नुकसान आपका है, लड़कों का कुछ नहीं जाएगा, कुछ दिन अरेस्ट हो लेंगे, चलो ठीक है अरेस्ट हो लिए, बेल पे आ जाएंगे, होना जाना तो कुछ है नहीं केस में क्योंकि तुम्हारे केस में दम नहीं है, खुद तुम गई थी और दिक्कत तुम लड़कों को कर दी, तो सुधर जाओ। और नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो यार टाइम बहुत लगता है, लड़कियों को लगता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना जो नंबर ऑफ जजेस है ना वो लिमिटेड है और जो नंबर ऑफ केसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, और जजेस को नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ता है, इनकी सबको सुनना पड़ता है, सबको सुन के तब उसको डिसीजन देना पड़ता है, तो उसमें ट्रायल में बहुत दिन लग जाते हैं। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ बहुत को, उनके केस अभी तक चल रहे हैं, मतलब वो फंस गई है ना, उनकी शादी हो पा रही है ना, उनका केस निपट पा रहा है। अगर तुम्हें ये सब पचड़ा चाहिए तो करो, अदरवाइज मत करो। कुछ होती है ना भाई फंसा देती है फिर बाद में दिक्कत होती है, तो भैया दिक्कत होती है ये ना उस तीर की तरह है, जब तुम्हें लगेगा ना तो दिक्कत तो देगा, लेकिन जब निकलेगा ना, जब निकलता है तीर तो और दिक्कत देता है, तो इससे अच्छा इसमें मत घुसो, ठीक है मत घुसो। और जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो रेप नहीं है, वो तुम्हारी कंसेंट से ही हुआ है सब कुछ, ठीक है। नहीं पहले होते थे वो रेप और उसको बोलते थे इज्जत लुटना और उसके बाद लड़की सुसाइड कर लेती थी, अब क्या है खुद जा रही है, खुद सब कुछ कर रही है, फंसा लड़के को दे दिया, क्योंकि प्रोविज़न नहीं है ना, प्रोविज़न ही ऐसे हैं इंडिया जो IPC के जो प्रोविज़न है वो लड़के को ही वो करते हैं। कभी तुमने सुना है कि लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया, और हालांकि होता है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं हरामी, मैंने खूब देखी है जी हरामी लड़कियाँ लड़के को छेड़ दिया, पहले लड़का कुछ कर नहीं पाता, क्यों IPC में प्रोविज़न नहीं है, क्या करें भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन अब दूसरा पार्ट देख लो इसका, दूसरा पार्टी, अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा हुआ है तो यार आप करो, ये उनके लिए था जो फेक होती है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है, तुम्हारे घर वालों को पता था सब कुछ था, तुम उससे मिलती थी,
उसके घर वालों को भी पता था, फिर एट द एंड ऑफ डे लड़का मना कर देगा, तब तो वो बनता है, तब आप करो। तो मतलब अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग पैसा भी लगता है इसमें, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट वकील करोगे ना तो उसमें पैसा भी लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं है कि उठ गए सरकारी वकील उठा लिया, ये हो लिया, ट्रायल चल रहा है, ये भाई जीतने के लिए पैसा भी लगता है, ठीक है। और पीपी वगैरह तो पता ही है कैसे ही लड़ते हैं केस, तो मतलब आपका फाइनेंशियल लॉस भी है लड़की के लिए, बोल रहा हूँ। सो गलत केस मत करो। और नेक्स्ट थिंग, हाँ, कल को मान लो पता चलता है ना भी आपने फेक केस किया था, और ट्रायल में पता चलता है, सब कुछ पता चलता है, आप हॉस्टाइल हो जाते हो, या फिर तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लड़का आपके ऊपर भी डाल सकता है, भाई इसने मेरे को बदनाम किया, ये किया, वो किया, मतलब वो बैक फायर कर सकता है। ये ना सोचे कि मैं लड़की हूँ तो ये कर दूँगी, वे कर दूँगी, भाई मैं ही हूँ, वो गया वो जमाना, ठीक है। लोग अवेयर होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो